हेलो एवरीवन। तो इसके पहले भी इस वीडियो के पहले पार्ट में हमने डिस्कस किया क्वेश्चन नंबर 1 एंड इसके सारे सॉल्यूशंस को, जिसमें कि टोटल 1, A, B, C, D एंड E, जिसमें 5 क्वेश्चंस थे। और इसके हमने सारे क्वेश्चंस और डाउट के साथ इसके सॉल्यूशन को हमने डिस्कस किया वीडियो के पहले पार्ट में। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर उस चेकआउट कर लो उस वीडियो को, उसके बाद इस वीडियो को देखो। और उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से तुम देख लेना। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, जिसके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, IUPAC इसका नोमेनक्लेचर कैसे होता है उसको डिस्कस करेंगे। एंड तब तक के लिए तुम इस वीडियो को लाइक कर दो और सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर देना। आइए तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे कह रहा है, ए नेम द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस अकॉर्डिंग टू IUPAC सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। IUPAC पद्धति के अनुसार निम्नलिखित संकर यौगिकों का नामकरण कीजिए। मतलब तुम्हारे पास ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिए हुए हैं इसका तुम्हें नेम लिखना है IUPAC के अनुसार, अकॉर्डिंग टू IUPAC। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले तुम्हारा दिया हुआ है K4Fe CN6। तो देखो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं पोटेशियम, ऐसे तो इसका नाम होता है पोटेशियम फेरोसाइनाइड, और इसका IUPAC नेम होता है पोटेशियम हेक्सा साइनाइडो फेरेट। पोटेशियम इसका सबसे पहले जो इसका ये पॉजिटिव है, सबसे पहले हम इसे लिखते हैं पोटेशियम। उसके बाद हम सबसे पहले लिखते हैं लिगेंड का, लिगेंड पे यहाँ जितना नंबर होता है उसके अनुसार हम यहाँ पे हेक्सा, ऑक्टा, पेंटा या टेट्रा लगाते हैं। तो यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे हेक्सा हो जाएगा। साइनाइड के ऊपर -1 चार्ज होता है, तो साइनाइड यहाँ पे जो है ये यहाँ पे हमारा क्या निगेटिव मतलब लिगेंड है। यहाँ पे साइनाइड हमारा क्या है, निगेटिव लिगेंड है, एनाइक्लिन लिगेंड है। तो यहाँ पे साइनाइडो हो गया। एंड देन फेरेट यहाँ पे जो है ये इसका फेरेट यहाँ पे इसका सेंट्रल मेटल आइटम है। तो सेंट्रल मेटल आइटम क्या है, यहाँ पे सेंट्रल मेटल आइटम जो है वो एनायन है, तो इसलिए यहाँ पे हमने फेरेट लिखा। अब यहाँ पे ये जो 2 नंबर मैंने रोमन नंबर में लिखा है इसे कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो नोमेनक्लेचर करने के बाद हमें उसका लास्ट में ऑक्सीडेशन नंबर लिखना होता है। तो देखते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर मैंने कहाँ से निकाला। तो देखो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए सबसे पहले जो आगे, जैसे कि यहाँ पे हमारा दिया हुआ K4, तो हम सबसे पहले इसका नंबर लिखेंगे 4 × में K के ऊपर चार्ज कितना होता है, तो K के ऊपर +1 का चार्ज होता है, तो यहाँ पे हमने +1 लिख दिया। अब देखो उसके बाद हमें किसका निकालना है, Fe का निकालना है, यानी ये जो हमारा सेंट्रल मेटल आइटम, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो सेंट्रल मेटल आइटम के नीचे हम एक्स लिख देंगे और यहाँ पे प्लस एक्स कर देंगे। उसके बाद 6 नंबर होता है, यहाँ पे 6 दिया हुआ है, ये तुम्हारा क्या कहते हैं 6 CN6 है, तो 6 × CN के ऊपर चार्ज कितना होता है, -1, तो यहाँ पे -1 हो गया। इक्वल टू हम क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। तो 4 से +1 का मल्टीप्लाई हुआ तो 4 आ गया और यहाँ पे एक्स उतरा और यहाँ पे 6 × 1 तो -1 हो जाएगा, -6 हो जाएगा, यहाँ -6 हो गया। अब इसको सॉल्व करने के बाद 4 × 6 दिया, यहाँ पे -2 एंड एक्स इज इक्वल टू, जब 2 इधर आएगा तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो एक्स इज इक्वल टू 2। ये तुम्हारा ऑक्सीडेशन नंबर आ गया K4Fe CN6। तो इसका पूरा IUPAC नेम क्या हो जाएगा, पोटेशियम हेक्सा साइनाइडो फेरेट 2। अब देखो ये सेकंड वाला क्या है, यहाँ पे CO दिया हुआ है, CONH3 का होल 4 और यहाँ पे Cl2 ब्रैकेट बंद Cl। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देखो जैसे यहाँ पे K4 पॉजिटिव लिगेंड पहले दिया हुआ था तो हमने इसको पहले लिख दिया था, बट यहाँ पे लास्ट में दिया हुआ है, तो हम सबसे पहले लिगेंड से चालू करते हैं। तो लिगेंड यहाँ पे हमारा क्या है, लिगेंड हमारा यहाँ पे न्यूट्रल लिगेंड होता है। NH3 क्या है, न्यूट्रल लिगेंड होता है, मतलब इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, 0 चार्ज होता है, तो न्यूट्रल लिगेंड है। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, इसके लिए अमीन लिखेंगे। तो यहाँ पे 4 का हम टेट्रा लिख दिए, NH3 को हम अमीन लिख दिए, टेट्रा अमीन। अब देखो यहाँ पे क्या है, क्लोराइड का लिखेंगे, यहाँ पे क्लोरीन भी एक लिगेंड है, तो क्लोराइड आयन के लिए डाई 2 का मतलब क्या हो जाएगा, डाई, और यहाँ से Cl क्या होता है, Cl माइनस लिगेंड है, तो यहाँ पे -2 का चार्ज हो जाएगा, तो क्लोराइडो माइनस के लिए क्या लिखते हैं, क्लोराइडो। एंड देन CO यहाँ पे क्या हो जाएगा, तुम्हारा सेंट्रल मेटल आइटम हो जाएगा, और सेंट्रल मेटल आइटम क्या हो जाएगा, तुम्हारा पॉजिटिव है, या फिर तुम कह सकते हो ये क्या है, न्यूट्रल है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोबाल्ट हो जाएगा, समझ में आ गया। अब देखो अब जैसे कि यहाँ पे कोबाल्ट आ चुका है, अब इसका क्या करना, ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है। अब तुम लोग देखो कि मैं इसका ऑक्सीडेशन नंबर कैसे लिखता हूँ, एक बार फिर से समझा देता हूँ। देखो तो इसमें CO का हमें क्या करना है, निकालना है ऑक्सीडेशन नंबर। तो CO के नीचे हम क्या लिख देंगे, एक्स लिख देंगे। देखो तो यहाँ पे हमने सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर लिखने के लिए क्या किया, ऑक्सीडेशन नंबर लिखने के लिए हमने सबसे पहले एक्स लिख लिया यहाँ पे, प्लस यहाँ पे 4 चार्ज होता है, 4 यहाँ पे दिया हुआ है इसका, मतलब कि NH3 चार्ज जुड़े हुए हैं, यहाँ पे हमने 4 लिख लिया। NH3 के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, यानी ये न्यूट्रल लिगेंड होता है, यहाँ पे हमने 0 लिख दिया। अब देखो फिर प्लस हमने लगाया,
सी एल टू है तो यहाँ पे टू, और सी एल के ऊपर माइनस के चार्ज, माइनस टू चार्ज होता है, माइनस टू चार्ज नहीं माइनस वन होता है, बस यहाँ पे टू है तो यहाँ पे माइनस टू हो जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस टू इक्वल टू, नहीं अभी भी प्लस होगा यहाँ पे, और सी एल एक और बचा हुआ है तो सी एल क्या हो जाएगा वन इंटू माइनस वन, यहाँ पे वन इंटू में माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो। अब देखो इसको सॉल्व कर लो, एक्स प्लस यहाँ तो ज़ीरो हो जाएगा, प्लस टू टू जा फोर, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस फोर, प्लस वन टू वन क्या हो जाएगा माइनस वन हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो, यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स प्लस ज़ीरो प्लस, सॉरी ये हो जाएगा माइनस फोर और माइनस वन मिल के आ जाएंगे माइनस माइनस प्लस प्लस। अच्छा देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी एल जो मैंने लिखा था सी एल टू माइनस, तो यहाँ पे माइनस वन का ही चार्ज होगा, यहाँ पे प्लस टू नहीं लिखेंगे माइनस टू नहीं लिखेंगे, तो देखो टू बन जाए यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ टू हो गया, अब देखो माइनस माइनस प्लस हो गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस थ्री इक्वल टू ज़ीरो, तो यहाँ से क्या होगा एक्स इज इक्वल टू थ्री। आई होप कि तुमको समझ में आ गया होगा ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, इसका मैं निकाल के एक बार दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पे थ्री लिख दिया। अब देखो एन ए ए जी सी एन टू सी एन होल ट्वाइस एन ब्रैकेट वन, देखो यहाँ पे सोडियम क्या है अलग से है पॉजिटिव में है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम सबसे पहले सोडियम का नाम लिख देंगे, फिर हमको किसका लिखना होता है लिगेंड का नाम लिखना होता है, लिगेंड यहाँ पे तुम्हारा क्या है एनायन है, तो यहाँ पे साइनाइडो हो जाएगा डाई, ये हम डाई पहले देखते हैं, फिर दो दो ठो यहाँ पे साइनाइड लगेंगे तो साइनाइडो, उसके बाद एजी तुम्हारा क्या हो जाएगा सेंट्रल मैटर आइटम, तो इसका नाम क्या लिखेंगे अर्जेंटेट, अर्जेंटेट क्यों लिखेंगे, अर्जेंटेट इसलिए लिखेंगे क्योंकि ये तुम्हारा क्या है सेंट्रल मैटर आइटम एनायनिक है, कॉम्प्लेक्स एनायन है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे अर्जेंटेट। अब देखो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कैसे लिखेंगे, सोडियम का हमें पता होता है यहाँ पे सोडियम नंबर वन है और सोडियम के ऊपर चार्ज कितना होता है प्लस वन का चार्ज होता है, प्लस ए जी का हमें निकालना है तो इसको हम क्या मान ले रहे हैं एक्स मान ले रहे हैं, प्लस टू इंटू में सी एन के ऊपर चार्ज कितना होता है, सी एन के ऊपर चार्ज होता है माइनस वन का इक्वल टू ज़ीरो, यहाँ पे ये वन हो जाएगा तो वन प्लस एक्स टू इंटू वन करेंगे तो टू वन जा टू, यहाँ पर चार्ज कितना हो जाएगा माइनस इक्वल टू ज़ीरो, यहाँ दो में से एक जाएगा कितना बचेगा एक बचेगा एक्स माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो, यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू वन, ये इसका ऑक्सीडेशन नंबर आ गया। अब देखो तो इसका क्या हो जाएगा सोडियम डाई साइनाइडो अर्जेंटेट वन। अब देखो इसका कैलकुलेट इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित कैलकुलेट द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ द सेंट्रल एटम इन द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स स्पीसीज, कह रहा है सेंट्रल मैटर आइटम के इफेक्टिव एटॉमिक नंबर लिखने हैं। देखो इसको कैसे लिखते हैं, इसका एक सीधा सा फॉर्मूला होता है उसे तुम लोग ध्यान रखो बाकी सब हो जाएगा। तो इफेक्टिव नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, जेड जेड यानी तुम्हारा क्या हो गया एटॉमिक नंबर, ये तुम्हारा जेड हो गया, एन तुम्हारा क्या हो गया ऑक्सीडेशन नंबर, प्लस करोगे टू लगाओगे इनटू में ये क्या हो गया तुम्हारा कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द मेटल आयन, कोऑर्डिनेशन नंबर यानी तुम्हारा जो यहाँ पे दिया होगा ये ब्रैकेट के नीचे जो दिया होगा उसे वो तुम्हारा क्या हो जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर, जैसे कि ये और यहाँ पे ये उसी को तुमको डाल देना है, और तुम्हारा जेड तुम्हारा पेपर में दिया होता है। तो देखो जैसे कि यहाँ पे सी ओ एन एस थ्री का होल सिक्स प्लस थ्री प्लस चार्ज है, इसका सी ओ का एटॉमिक नंबर 27 दे दिया है, तो अब देखो कैसे करेंगे, तो 27 इसका क्या दे दिया है हमको पेपर में, इसका एटॉमिक नंबर दे चुका है 27 सी ओ का होता है, तो हम यहाँ पे जेड की जगह 27 डालेंगे, यहाँ क्या करेंगे इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो माइनस थ्री आएगा, ऑक्सीडेशन नंबर मैंने तुमको भी निकाल के बताया, देखो कैसे निकाला एक्स सी ओ को हम क्या मान लेंगे, सी ओ को मान लिया हमने एक्स एन एस थ्री, एन एस थ्री के कितना यहाँ पे नंबर है सिक्स है तो सिक्स, एन एस थ्री के ऊपर चार्ज कितना होता है जीरो होता है तो हमने जीरो लिख दिया इक्वल टू, यहाँ पे थ्री प्लस का चार्ज है तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे थ्री लिख देंगे, अब देखो एक्स इज इक्वल टू सिक्स जीरो करोगे तो जीरो हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू थ्री आ गया, तो यानी इसका थ्री क्या हो गया ऑक्सीडेशन नंबर हो गया, प्लस टू इंटू में सिक्स कर देंगे टू इंटू में सिक्स जो इसका ये होगा, तो यहाँ पे 27 में 3 का 24 बचा और 2 6 12 इसको जोड़ोगे तुम्हारे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 36 आ गया। अब PDCl4 का तुम लोग अपने से करो और मुझे कमेंट करो कि इसका आंसर क्या आएगा, मैं इसको लिख ले रहा हूँ, इसका तुम लोग कमेंट करके बताओ कि इसका कितना आएगा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, ये तुम्हारा होमवर्क है। देन आगे चलते हैं, तो आज के पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस किया है, अगले पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करेंगे, और तब तक के लिए वीडियो को तुम लोग लाइक कर दो सब्सक्राइब कर दो, मिलते हैं अगले पार्ट में।